नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए प्रसार शिक्षा से संबंधित टॉपिक लेकर के आई हूँ और इसके साथ साथ ये आपका टीजीटी के लिए और अदर भी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये आपके जो बीए में है, एमए में है, बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, वहाँ भी एक्सटेंशन से संबंधित टॉपिक आता है टीचिंग एड्स का, वहाँ भी इनके लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कहने का मतलब ये आपका थ्योरी पार्ट जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने एक्सटेंशन एजुकेशन से टॉपिक लिया है, फ्लिप चार्ट क्या होते हैं और फ्लैनल बोर्ड क्या होते हैं, ये हमारे जो टीचिंग एड्स हैं, इस टीचिंग एड्स से इस टॉपिक को हम लिए हैं। और काफी दिन से आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं हो पा रही थी मौसम के खराब होने की वजह से, लेकिन अब आपकी क्लास होगी आज के बाद। और आज नहीं हो पाई लेकिन कल से आपकी क्लास होगी और आप वही टाइम रहेगा जिस टाइम में आप करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये हमारा है फ्लिप चार्ट और फ्लैनल बोर्ड। देखिए ये दोनों क्या है, ये हमारे प्रसार शिक्षा के जो टीचिंग एड्स होते हैं। टीचिंग एड का मतलब जिनको हम अपने प्रोग्राम को चलाने के लिए या प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। दृश्य का मतलब जो केवल देखने का काम करते हैं, श्रव्य का मतलब जो केवल सुनने के लिए यूज किया जाता है। दृश्य श्रव्य वे होते हैं जो दिखाई भी देते हैं और सुनाई भी देते हैं, दोनों काम होते हैं। तो ये दोनों ये आपके शिक्षण सामग्री के प्रकार होते हैं, जिसको बोलते हैं ऑडियो एड्स, दूसरा होता है वीडियो एड्स और तीसरा होता है ऑडियो वीडियो एड्स। इस पे मैंने कई वीडियो बनाए हुए, आप जाकर के देख भी सकते हैं। काफी टॉपिक आपका जो टीजीटी का सिलेबस है वो लगभग टॉपिक आपका कवर है, वो आप टीजीटी के सिलेबस में आपको दिया हुआ है, एलटी में भी दिया होगा। अगर आपको वहां से नहीं मिलेगा तो जो हमारी वीडियो है, जैसे आपके एक्सटेंशन की अलग है, पांचों ब्रांच की अलग है, वहां से भी अलग अलग आप ले सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारा है पहला फ्लिप चार्ट। क्या है फ्लिप चार्ट? और देखिए सबसे पहले जानिए क्या होते हैं। फ्लिप चार्ट एक विजुअल एड्स होता है। विजुअल का मतलब जिसको हम केवल देख सकते हैं, एक दृश्य सामग्री है फ्लिप चार्ट। पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है कि ये टीचिंग एड्स होते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जो फ्लिप चार्ट होते हैं कैसा एड्स होते हैं। तो फ्लिप चार्ट एक विजुअल एड्स होता है, दृश्य सामग्री होता है जिसको केवल देखने में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, और ये कंपेयर, कंपेयर का मतलब दो चीजों की तुलना करने के लिए प्रयोग करते हैं। कंट्रास्ट का मतलब दो चीजों में विरोधाभास दिखाने के लिए एक दूसरे का, इसको प्रयोग करने के लिए हम फ्लिप चार्ट का प्रयोग करते हैं। और फ्लिप चार्ट एक स्टेशनरी होता है। जैसे आपने देखा होगा कैलेंडर, आपने देखते हैं कि जनवरी चला जाता है, फिर फरवरी आता है कि हम उसको टर्न करते रहते हैं, उसको मोड़ते रहते हैं, फिर दिसंबर तक ऐसे आपका क्रम चलता रहता है। उसी तरीके से इसका जो साइज होती है, उससे कैलेंडर से इसकी साइज छोटी होती है और एक रिंग के फॉर्म में भी होती है और इस तरीके से एक क्रम में क्रमवार विधि होती है जिससे सूचनाओं को क्रमवार इसको व्यक्त किया जाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कैलेंडर का, तो कैलेंडर में देखिए जनवरी है, फरवरी है, मार्च, एक सिक्वेंस में चलता है और जैसे जैसे उसका टाइम होता जाता है उसको हम क्या करते हैं, उसको फोल्ड करते जाते हैं, नेक्स्ट फरवरी, नेक्स्ट मार्च, इस तरह करते जाते हैं। उसी तरीके से आपका ये फ्लिप चार्ट होता है। तो फ्लिप चार्ट क्या होता है, एक विजुअल एड्स होता है, ये कंपेयर करने के लिए, कंट्रास्ट का मतलब विरोधाभास दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या है, इसमें कागज या वस्त्र पर चित्र बनाए जाते हैं, कागज या वस्त्र पर चित्र बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि मेज पर रखा हुआ इस तरह से कैलेंडर होता है, यहाँ पर रिंग लगा होता है और ये जैसे जैसे इसका काम होता जाता है वैसे ये पलटते जाते हैं। यही हमारा फ्लिप चार्ट होता है, जिसमें क्या होता है, डायग्राम यानी चित्र भी होते हैं, प्लस प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स यानी कोई चीजों को, तथ्य को बताना हुआ उसके से। आपने कैलेंडर में देखा हो केवल डेट नहीं होता बल्कि कौन सा त्योहार है, किस कौन सी छुट्टी है, कौन सा डे मनाया जाता है, सारी चीजें होती हैं, फैक्ट्स होती हैं। तो उसी तरीके से इसमें डायग्राम पर चित्र भी दिया जाता है। तो ये आपका जो फ्लिप चार्ट में भी डायग्राम भी होते हैं और उसमें तथ्य भी होते हैं और आइडियाज का मतलब उसमें नए नए मतलब आइडियाज भी उसमें जोड़े गए होते हैं। तो इतनी चीजों से मिलकर हमारा फ्लिप चार्ट बना होता है। किससे बधे होते हैं, मैंने भी आपको बताया, ये रिंग से बधे होते हैं या डोरियों से बधे होते हैं जिससे वो सिक्वेंस में चलता रहता है। तो ये रिंग या डोरियों से बधे होते हैं, एक दूसरे के क्रम में होते हैं और इसमें ये ड्रॉइंग चित्र एवं चार्ट से मिलकर बना होता है। यानी इसमें चित्र भी होता है, कलर भी मतलब अच्छे से डेकोरेट भी किया रहता है,
प्लस इसमें लिखा हुआ मैटर भी होता है, क्योंकि चार्ट में लिखा हुआ मैटर रहता है तो प्लस इसमें लिखा हुआ भी मैटर होता है। यानी ये ड्राइंग से प्लस चित्र से प्लस चार्ट से मिलकर के बना होता है क्या, फ्लिप चार्ट। तो ड्राइंग, चित्र और इसके साथ साथ आपका चार्ट से मिलकर बना होता है। इसमें डायग्राम भी होता है, चित्र भी होता है और सूचनाएं भी होती हैं, और इसके साथ साथ डोरियों से बंधे होते हैं, इसमें फैक्ट्स और आइडियाज को भी प्रेजेंट करते हैं। इतनी चीजें आपने फ्लिप चार्ट के बारे में जान गई। अब देखिए टॉपिक, टॉपिक केवल एक आपका रहेगा, किसी एक ही टॉपिक पर चर्चा होगी, कई टॉपिक नहीं होंगे, एक ही टॉपिक से संबंधित सारे टॉपिक उप टॉपिक रहेंगे, यानी टॉपिक मेन एक रहेगा। जैसे हम चैप्टर जो पढ़ते हैं उसी चैप्टर संबंधित सारी चीजों से जुड़ी हुई रहती है, उसी तरीके से फ्लिप चार्ट में टॉपिक एक रहेगा, उसी से संबंधित सारे तथ्य को प्रस्तुत किया जाता है, यानी उसी टॉपिक से संबंधित। तो यहाँ पे देखिए एक टॉपिक से संबंधित होता है और सारे तथ्यों को, उसी संबंधित तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, छोटे वाक्यों में इसकी जानकारी दी जाती है। अब देखिए ये बहुत बड़े बड़े से सेंटेंस नहीं बनाते, यहाँ पर आपका इस तरीके से प्रेजेंट होता है, इसमें जो आ जाते हैं जितने मैटर उतने ही मैटर वहां पर प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें बहुत बड़े बड़े सेंटेंस नहीं होते, बल्कि बहुत छोटे छोटे सेंटेंस को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। और एक चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, इतनी चीजें आपको वीडियो में कहीं नहीं मिलेगा, पूरा पॉइंट चीजें आप नहीं पाएंगे, किताबों में सब चीजें हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर कई किताबों का मिश्रण प्लस गूगल प्लस और जहां से मुझे इससे रिलेटेड चीजें मिलती है वहां आपको लेके लेकर के आती हूँ। तो यहाँ से आपको जो मैटर मिलेगा वो आप कहीं नहीं पाएंगे, अपनी बुक में ढूंढेंगे इतने इतने पॉइंट और इस तरीके से प्रेजेंट करना नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे आप जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपना नोट्स खुद बना सकते हैं और ये आपका नोट्स हमेशा के लिए हो जाएगा। आप पढ़ रहे हैं, जो आपके बाद भी हो जाएंगे तब भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी पढ़ाने के लिए, वहां भी आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे छोटे छोटे वाक्यों में जानकारी दी जाती है, प्लस यहाँ पे मैंने रियल टाइम फीडबैक, रियल टाइम फीडबैक का मतलब जैसे आपका टॉपिक खत्म हुआ उससे समय आप पूछते भी जा रहे हो कि आपने इस टॉपिक के बारे में समझा, इस चार्ट में क्या समझा, इस डायग्राम से क्या समझा। तो इसको बोलते हैं रियल टाइम का, मतलब वास्तविक रूप से आपने फीडबैक ले रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि आपको कितना इस बारे में समझ में आया, इसी को बोलते हैं रियल टाइम फीडबैक। तो इतनी चीजें मैंने आपको फ्लिप चार्ट के बारे में बता दिया। यहाँ आपको याद करना, एक विजुअल होता है, एक कंपेयर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये रिंग डोरियों से बंधे होते हैं, ये ड्राइंग चित्र या चार्ट से मिलकर बने होते हैं। मेन पॉइंट यहाँ पे है कि ये रियल टाइम फीडबैक देने का भी काम करता है। तथ्य कितने होते हैं, केवल एक तथ्य होते हैं, एक ही टॉपिक को लेकर के उससे संबंधित सारे तथ्य को हम प्रस्तुत करते हैं। अब इससे लाभ क्या होता है, इसमें किसी भी तथ्य को शुरुआत करने से पहले उस विषय के बारे में जानकारी दे दी जाती है, जिससे उससे जो श्रोता होता है, ऑडियंस हमारा होता है, उसके बारे में जान ले कि टॉपिक क्या शुरू होने वाला है। जैसे आप कहीं पर जाते हैं तो पहले आपको दिख जाता है कि क्या चीज चल रहा है, क्या टॉपिक चल रहा है, क्या चीजें हैं, चाहे आप सेमिनार में जाते हैं, चाहे आप संगोष्ठी में जाते हैं, कहीं भी आप जाते हैं और वहां पे आपको ये चीजें बता दी जाती है, पहले से आप टॉपिक निर्धारित होते हैं। तो यहाँ पर भी है आपका कि पहले से ही विषय के बारे में जानकारी दे दी जाती है और उसी से संबंधित मुख्य बिंदु पर, मुख्य बिंदु पर बल दिया जाता है। अब देखिए इसे आसानी से उधर, लाभ क्या है, इसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ना तो बहुत आसान है, आराम से हम अपने कैरी बैग में ले जा सकते हैं। अब है इसको बनाना भी आसान है, इसमें कुछ नहीं, डायग्राम आपने बना दिया, चित्र बना दिया और चार्ट इसमें संबंधित टॉपिक को दे दिया, तो ये आपके लिए बनाना आसान होता है। और एक क्रमवार सूचना होती है, मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, एक क्रमवार सूचना होती है, एक सिस्टमैटिक तरीके से चलती है। नेक्स्ट यहाँ पे लगातार उपयोग से नष्ट होता है, बार बार इस चीज को ट्रेनिंग में आप शिक्षक प्रशिक्षण में बता रहे हो कि इसको बार बार पलटते पलटते तो कभी कभी ये टूट भी जाएगी, कभी कभी खराब हो जाएगा, पेपर मुड़ जाएंगे, तो ये भी होता है, ठीक है। और इसमें कलात्मक योग्यता की भी आवश्यकता पड़ती है, यानी इसको आपको ड्रॉइंग बनाना भी आना चाहिए, चित्र बनाना भी आपको आना चाहिए, इसके साथ साथ डोरी से इसको सेट करना भी आपको आना चाहिए, यानी इसमें कुल मिलाते कलात्मक ज्ञान भी होना आवश्यक है। तो इतनी चीजें आपको मैंने बताया फ्लिप चार्ट क्या होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फ्लैनर ग्राफ क्या होता है। फ्लैनर ग्राफ से क्वेश्चन आपके नेट में भी बना हुआ है, एलटी में बना हुआ है, टीजीटी में भी क्वेश्चन आते हुए। तो ये फ्लैनर ग्राफ क्या है आपका, ये पीस ऑफ प्लाईवुड है। एक क्वेश्चन नेट में बना था कि फ्लैनर ग्राफ है, फ्लैनर ग्राफ है क्या है, तो फ्लैनर ग्राफ एक पीस ऑफ प्लाईवुड है। क्या है, यानी एक प्लाईवुड का एक टुकड़ा होता है। दूसरा है स्टोरी टेलिंग, यानी प्लाईवुड क्या है, सॉरी
ये आपका प्लान ग्राफ में एक स्टोरी टेलिंग के रूप में चीजों को बताया जाता है। तीसरा है ये फजी फेल्ट होता है। फजी फेल्ट का मतलब आपने वेलवेट के कपड़े को देखा होगा, फर जैसे दिखाई पड़ते हैं, आपने टेडी बियर बनाते हुए देखा है, उस तरीके से फॉर्म में ये जो कपड़े होते हैं आपका फ्लैनेल का वो उस पे देते हैं, वो फॉर्म देते हैं, वो स्ट्रक्चर उसको देते हैं, इसीलिए आप इसको बोलते हैं फजी फेल्ट। तो याद रखना फजी फेल्ट सब याद करना, और पीस ऑफ प्लाईवुड, यही क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनता है, फ्लैनल बोर्ड है तो फ्लैनल बोर्ड पीस ऑफ प्लाईवुड है क्योंकि ये प्लाई का बना होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे आपने कार्डबोर्ड इस पर आप पेंटिंग करते हैं, आप सीनरी बनाते हो, उसी तरीके से ये बोर्ड होता है, प्लाईवुड होता है। इसके ऊपर फ्लैनेल का कपड़ा लगाया जाता है, इसी के ऊपर फ्लैनेल के कपड़े को चिपकाया जाता है, आप गोद से चिपका सकते हैं, सैंड पेपर से उसको चिपकाते हैं, जिससे ये आसानी से जो हम चीजें यहाँ पर बताते जाएंगे वो आसानी से उसमें चिपकता जाएगा। चाहे आप कागज के रूप में कोई चीज लिए हो, चाहे आप कपड़े के रूप में कोई चीज बना करके चित्र के रूप में आपने लिया है, वो चीजें यहाँ पर चिपकाते जाएंगे, ठीक है। तो जब फ्लैनेल के इसमें क्या होता है, जब फ्लैनेल टेरी क्लॉथ के बड़े बड़े टुकड़ों को दृढ़ सतह पर चिपकाया जाता है, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि ये प्लाईवुड है, प्लाईवुड पर ये इस तरह का जो कपड़ा होता है, फ्लैनेल का जो कपड़ा होता है, टेरी क्लॉथ का जो कपड़ा होता है, इसी के ऊपर ढक देते हैं, यानी कवर कर देते हैं, ठीक है। कवर करने के बाद अब उसमें कपड़े का रंग कैसा होना चाहिए, काला, गहरा या हरा नीला, यानी जो कपड़ा हम फ्लैनेल का लें या टेरी क्लॉथ का कपड़ा लें, इसका रंग क्या होना चाहिए, काला होना चाहिए, गहरा नीला होना चाहिए, सॉरी हरा होना चाहिए, इस रंग का होना चाहिए। अब उस पर क्या करेंगे, अब जैसे आपने देखा होगा कि कोई चीज कटिंग, पेपर की कटिंग भी होती है, चित्र भी होते हैं, कोई उसकी सूचनाएं भी निकली हुई है एक सीक्वेंस से, तो हम उसे क्या करते हैं, उसकी कटिंग को काट लेते हैं। कटिंग को काटने के बाद किस तरीके से वो कपड़ा होता है फ्लैनेल का, और उसमें क्या होते हैं, सैंड पेपर लगे होते हैं, उसको ऐसे यहाँ पे रख देंगे, सिक्वेंस नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार, ऐसे इसमें हम बताते जाएंगे कहानी को, जैसे कहानी के रूप में कोई चीज दे रहे हैं, सूचना के रूप में दे रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम ऐसे जैसे चिपकाते जाएंगे और सामने वाले ऑडियंस को उसको बताते जाएंगे, जिससे वो आसानी से समझते जाएंगे, और उनको बताना भी आसान हो जाता है और लोगों को समझना भी आसान हो जाता है। बहुत ही आसानी तरीके से इसको इफेक्टिव तरीके से चीजों को प्रस्तुत किया जाता है फ्लैनेल ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। और इसी को फ्लैनेल बोर्ड भी कहते हैं। तो जैसे फ्लैनेल ग्राफ मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यही इसी तरीके से आप इसी को फ्लैनेल बोर्ड भी कहते हैं, ये आप याद रखना। अब देखिए मैंने इसके ऊपर लिखा है चित्रों, समाचार लेख, सूचनाएं, फोटोग्राफ, ये सब चीजें इस पर लगा दिया जाता है सिक्वेंस से, एक बारी बारी से। आप कहीं ट्रेनिंग लेने गए हैं तो इसके पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या, फोटो आप चिपकाते जाएंगे, लोगों को बताते जाएंगे, तो ये सिक्वेंस भी समझाने, एक तरीके से सिक्वेंस में चीजों को बताने के लिए या कोई कहानी के रूप में चीजों को बताने के लिए फ्लैनेल ग्राफ का प्रयोग किया जाता है, और इसी को बोलते हैं पीस ऑफ प्लाईवुड, यानी फ्लैनेल ग्राफ इज अ पीस ऑफ प्लाईवुड, ठीक है। अब यहाँ लगाने से पूर्व मैंने बताया आपके साइड पेपर उसके ऊपर लगा दे, जिससे वो आसानी से कपड़े पर चिपक जाए। अब यहाँ पे क्या है, ये फन एंड एक्साइटिंग होता है। फन मतलब इसमें आनंदपूर्ण, एक्साइटिंग तरीके से इसमें प्रस्तुत करते हैं, जो सामने वाला ऑडियंस होता है उसको भी समझ में आता है, इंटरेस्ट रूप में, एक्साइटिंग रूप में चीजों को समझता है, इसके बाद कौन सी फोटो लगेगी, इसके बाद कौन से चित्र लगेंगे, तो उसके दिमाग में भी एक्साइटिंग बना होता है, उत्तेजना बनी होती है उस चीजों को समझने के लिए। और इससे क्या होता है, प्रमोट गुड बिहेवियर, गुड हैबिट को प्रमोट करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, किसका, ये फ्लैनेल ग्राफ का प्रयोग करते हैं। अब ये सस्ता होता है, आसान होता है, सुविधाजनक होता है, ले जाने के लिए भी आसान होता है, ठीक है। इसमें चित्रों के द्वारा अधिक प्रभावशाली प्रस्तुत करते हैं, इसे लोगों को समझ में भी आया है, बताने वालों को समझ में भी आता है, और इसके साथ जो समझा रहा है उसको भी समझ में आता है उसको प्रस्तुत करने में, ठीक है। हाँ, पे लिखा है मोटर स्किल, यहाँ पे मोटर स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कि पेपर की कटिंग काटना, उसको चिपकाना, उसको अच्छे से करना, तो यानी इसमें मोटर स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है, क्रियात्मक कौशल की आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें हानि क्या है, इसमें अधिक समय लगता है बनाने में, भाई बोर्ड लेंगे, उसके ऊपर चिपकाएंगे, कटिंग करेंगे, कटिंग के बारी बारी उसको सीखकर से आप बताते जाएंगे, यानी ये टाइम टेकिंग होता है। दूसरा क्या है, यहाँ पे खुले स्थान में इसको बताना कठिनाई होती है। तो इतनी चीजें मैंने आपको बताया, फ्लैनेल ग्राफ क्या होता है और फ्लिप चार्ट क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया क्या आएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, और ये क्या करता है, मोटर स्किल की आवश्यकता पड़ती है, इसमें क्या क्या प्रस्तुत करते हैं, चित्रों को, समाचार लेख को, सूचनाओं को, फोटोग्राफ को प्रस्तुत करने के काम में लाया जाता है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मेरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।